हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वज्रासन। वज्रासन में हमें किस तरह से बैठना चाहिए, आज के वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वज्रासन में बैठने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये दो वज्रासन करने के लिए सबसे पहले आपको योगा मैट या दरी का यूज करना चाहिए। तो योगा मैट या दरी पे आपको सबसे पहले सीधा बैठ जाना, यानी दोनों पैर को इस तरह से आगे करके इस तरह से बैठ जाना है। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, राइट पैर को पीछे ले जाना है। इस तरह से ले जाना है, मैं ये करके बताती हूँ। ये राइट पैर को इस तरह से फोल्ड करना है धीरे से, फिर इस तरह से पीछे ले जाना है इस तरह से। फिर उसके बाद इस तरह से बैठ जाना है। फिर उसके बाद आपको ये इस तरह से और फिर लेफ्ट पैर को इस तरह से मोड़ कर पीछे ले जाएंगे और इस तरह से इस पोजिशन में बैठ जाएंगे। आपको हमेशा इसमें वज्रासन करने के लिए आपको मैं करके दिखाती हूँ। ये जो पोजिशन है दोनों पैर का जो अंगूठा है वो आपको होल्ड करके इस तरह से बैठना है। फिर उसके बाद आप हाथ को इस तरह से आगे इस तरह से बैठ जाएं। उसके बाद कुछ गहरी सांसें लें, फिर सांसों को छोड़ें। तो आप कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको करके बताती हूँ। मिनिमम आप 5 सांस के लिए होल्ड करके इस तरह से बैठ सकते हैं। मैक्सिमम आप उतना चाहे उतनी देर बैठ सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो कुछ सेकंड से स्टार्ट करते करते आपको मैक्सिमम 5 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। तो अब है इससे, जब भी वज्रासन कर रहे हो तो ये जो आपका जो रीढ़ की हड्डी वो सीधी होनी चाहिए, इस तरह से बैठना चाहिए। छाती पूरी खुली हुई होनी चाहिए, इस तरह से झुक के वज्रासन में नहीं बैठना चाहिए। पूरा एकदम इस तरह से तब सीधा बैठना चाहिए और आपका हाथ इस तरह से होना चाहिए। तो कुछ सेकंड के लिए आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अब इससे बाहर आने का तरीका क्या है, इस तरह से हम लोग वज्रासन से बाहर आएंगे। तो अपने पैर को धीरे धीरे, लेफ्ट पैर को पहले इस तरह से आगे लाएं, फिर इस तरह से राइट पैर को भी। तो ये था वज्रासन, आज का आसन। तो वज्रासन करने, ये एक ऐसा आसन है जिसे हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद करते हैं। ऐसे तो लोग करते ही हैं, पर खाना खाने, ये एक ऐसा आसन है जिसे हम लोग खाना खाने के बाद कर सकते हैं। वैसे तो योगा हमेशा खाली पेट करना चाहिए, पर ये ऐसा एक आसन है वज्रासन जो हम खाना खाने के बाद भी करते हैं, जिससे हम क्या होता है, वज्रासन करने से हमारी पाचन शक्ति स्ट्रांग होती है। अगर आपके पेट में दर्द है तो उसमें थोड़ी राहत होती है। आपके कुल्हों में दर्द है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। अगर आपके पैर जांघ में फैट जमा हुआ है तो वो भी थोड़ा बर्न होगा। तो आप भी वज्रासन करें और इसका लाभ उठाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई योगा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।